सो टुडेज टॉपिक इज द अर्ली हिस्ट्री और हिस्ट्री ऑफ अर्ली ह्यूमन। एंड वी डिस्कस्ड द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस टॉपिक राइट इन द लास्ट क्लास। सो एनी डाउट? नो, ये आपकी फर्स्ट क्लास है? अच्छा, ठीक, अच्छा, ओके ओके। सो कोई बात नहीं, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है? थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेंगे। ओके, सो कल का क्या क्या पढ़ा था हमने इसमें? अर्ली ह्यूमन, अर्ली ह्यूमन राइट। वी हैव डिस्कस्ड द इवोल्यूशन ऑफ अर्ली मैन, इवोल्यूशन राइट। एंड देन वी डिस्कस्ड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अर्ली मैन फ्रॉम द अर्लीस्ट मैन टू द मॉडर्न मैन राइट। दैट मीन्स फ्रॉम एप टू द मॉडर्न मैन राइट। एंड देन वी हैव डिस्कस्ड द चेंजेस, चेंजेस इन एवरीथिंग, इन ऑल फॉर्म्स ऑफ द नेचर राइट। एक्चुअली ये जो आपकी बुक है इसका फर्स्ट चैप्टर है क्या? द बिगिनिंग ऑफ द ह्यूमन लाइफ राइट और द अर्ली मैन। इससे पहले एक चैप्टर और आता है राइट, एंड दैट इज अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। दिस टॉपिक बिलोंग्स टू द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, बट बिफोर दिस वन टॉपिक कम्स एंड दैट इज नोन एज इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ राइट। सो आई विल गिव यू अ शॉर्ट आइडिया अबाउट द अर्थ राइट एंड देन द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ राइट। ओके, सो इन द बिगनिंग देर वर टू थिंग्स। दिस वॉज द लैंड पार्ट राइट एंड दिस वॉज द वॉटर बॉडी। On this earth, right? This was the land part. That land part was known as Pangaea. Known as Pangaea. And that water body was known as Panthalassa. Pangaea and Panthalassa. Clear? Now, what happened? Due to various activities on this land part, right, like earthquake, volcanic eruptions, right, that Pangaea broke up into two, right? It broke up into two parts. The northern part of the Pangaea was known as Angara land, and the southern part of the Pangaea was came to be known as Gondwana land. Angara land and Gondwana, right? And then that division was continued, right? And according to this process, right, by the time
द गोंडवाना लैंड वॉज इट सेल्फ ब्रोक अप राइट एंड इंडिया इज द पार्ट ऑफ गोंडवाना राइट नाउ वी विल कनेक्ट दिस थियरी विद द प्लेट टेक्टोनिक थियरी ऑफ ज्योग्राफी प्लेट टेक्टोनिक थियरी व्हाट इज द थियरी प्लेट टेक्टोनिक प्लेट विच प्लेट नॉट द खाने वाली वो ध्यान मत लाना अभी ठीक है प्लेट टेक्टोनिक थियरी दैट मीन्स द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ विच वी सी हम कहां पर हैं आउटर सरफेस पे हैं अर्थ पे राइट इफ दिस इज द अर्थ सो वी आर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ राइट सो दैट आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ इज फ्लोटिंग इज फ्लोटिंग अब फ्लोट किसके ऊपर करते दैट मीन्स जो लोअर जो लेयर है ठीक है वो कैसी है कैसी होनी चाहिए लिक्विड होनी चाहिए जस्ट टेक एन एग्जाम्पल अगर एक बकेट है फिल्ड ऑफ वाटर ठीक है उसके आप कोई भी हल्की चीज उसके ऊपर रखोगे ठीक है तो क्या करेगा वो फ्लोट होगा आप जैसे ही थोड़े से बकेट को मूव करोगे तो क्या होगा वो फ्लोट होगा ठीक है और आप तीन चार पीसेस अगर उसके ऊपर डाल दो वुड के तो क्या होंगे वो आपस में टकराएंगे हाँ होगा ठीक है कभी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे कभी टकराएंगे ये होगा सिमिलरली जो आउटर सरफेस है अर्थ का दैट इज फ्लोटिंग राइट क्यों इफ वी सी द अर्थ फ्रॉम द कोर टू द आउटर सरफेस इट इज डिवाइडेड इंटू वेरियस लेयर्स राइट एंड दीज लेयर्स आर ब्रॉडली कैटेगराइज इंटू थ्री सो द अपर मोस्ट ओके लेट सी दिस तो दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ओके दिस इज कोर कोर राइट देन मेंटल एंड दिस इज क्रस्ट कोर मेंटल एंड क्रस्ट नाउ व्हाट हैपेंस दैट क्रस्ट एंड द अपर लेयर ऑफ मेंटल इज नोन एज लिथोस्फेयर राइट एंड बिलो दिस लिथोस्फियर दिस पोर्शन ऑफ द अर्थ इज इन द सेमी लिक्विड फॉर्म दैट मीन्स द मटीरियल राइट और द एलिमेंट्स विच आर देयर इन दिस लेयर आर इन सेमी लिक्विड फॉर्म तो जब ये सेमी लिक्विड फॉर्म में है तो ये क्या होगा ये फ्लोट करेगा सो वी आर फ्लोटिंग राइट फ्लोट हो रहे हैं हम सभी ठीक है अब ये जो स्पीड है दैट इज वेरी स्लो कि हमें फील नहीं होता अब क्या हुआ अब इसको हिस्ट्री से कनेक्ट करना है इवोल्यूशन थ्योरी से कनेक्ट करना है राइट सी व्हाट हैपेंस ये जो सेमी लिक्विड फॉर्म में है द एलिमेंट क्या होता है जब यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा होगी ठीक है जस्ट लाइक द प्रेशर कुकर जब प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या करेगा रिलीज होने के लिए जगह देखेगा राइट दैट हैपेंस इफ देयर आर फॉल्ट्स इन दिस लेयर राइट सो व्हाट विल हैपन दैट सेमी लिक्विड कंटेंट विल फोर्स टू कम आउट राइट और जब ये बाहर आएगा तो क्या होगा प्रेशर होगा राइट और बहुत सारी वेव्स होंगी राइट और ये जो वेव्स होंगी वो क्या होगी
जब ये प्रेशर से बाहर आएगा, ठीक है, तो ये जो क्रस्ट है इसको और ज्यादा ब्रेक करेगा। जब ब्रेक करेगा तो क्या होगा? क्वेक। हाँ, अर्थ क्वेक, राइट? सो अर्थ क्वेक होगा। एंड ये जो अंदर सेमी लिक्विड फॉर्म में जो मटेरियल था, दैट विल कम आउट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ, राइट? एंड इट विल बी नोन एज, यहां पे जब होगा तो क्या होगा? मैग्मा। एंड व्हेन इट कम्स आउट एंड कूल डाउन ऑन द आउटर सरफेस, इट विल नोन एज लावा। अब देख इससे क्या होगा, जब ये हुआ वोल्केनिक इरप्शन हुआ, तो वोल्केनिक इरप्शन का रिजल्ट क्या हुआ? जो इनर मटेरियल था दैट कम आउट ऑन द आउटर सरफेस, आफ्टर कूलिंग डाउन इट विल टेक अ शेप ऑफ रॉक, रॉक्स, राइट? दैट मींस मिनरल्स, मेटल्स। और फिर ये क्या होगा, ये लेयर बाय लेयर इसके ऊपर और ज्यादा डिपोजिशन होता चला जाएगा, राइट? दीज थिंग्स द अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शंस वर कंटिन्यूड देयर। अब ये होगा तो क्या होगा, कभी कभी प्लांट्स, एनिमल्स या जो भी क्रिएचर्स हैं वो क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, राइट? और कुछ टाइम के बाद वापस से कंस्ट्रक्शन। दैट मींस दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन इज द लॉ ऑफ नेचर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, राइट? अब जब ये होगा तो क्या होगा, जो भी लिविंग थिंग्स यहाँ पे थी, जब सिचुएशन खराब होगी तो यहाँ से मूव करेंगे, माइग्रेशन, राइट? कहाँ जाएंगे? पीसफुल प्लेस में, जहां पे सर्वाइवल इजी हो, राइट? टू फाइंड द सिचुएशन और कंडीशंस फॉर बेटर सर्वाइवल, राइट? ओके, सो नाउ दीज थिंग्स वर कंटिन्यूड एंड बाय द टाइम मैनी थिंग्स इवॉल्व लाइक माउंटेन्स इमर्स्ड बाय दिस वॉल्केनिक इरप्शन, बाय दिस नॉट जस्ट वॉल्केनिक इरप्शन, बाय द अर्थक्वेक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स, राइट? बिकॉज प्लेट टेक्टोनिक में क्या होता है, प्लेट्स हैं, ठीक है? अगर ये दोनों प्लेट्स क्या हुई, इफ दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, राइट, तो क्या होगा, देयर विल बी टू कंडीशंस। इन वन कंडीशन क्या होगा, दोनों प्लेट्स बीच में से उठ जाएंगी ऐसे, राइट? सो दे विल टेक अ शेप ऑफ हिल और माउंटेन, राइट? इन अनदर कंडीशन व्हाट विल हैपन, एक प्लेट दूसरी प्लेट को कवर कर लेगी, राइट? और जो हैवी होगी वो क्या होगी, नीचे की तरफ हो जाएगी, और जो लाइटर प्लेट होगी वो ऊपर आ जाएगी। मतलब क्या, जो एजेस हैं प्लेट्स के वो क्या होंगे, किसी एक का डिस्ट्रक्शन होगा और एक ऊपर आ जाएगी। सो जो रिजल्ट जो भी हो उससे क्या हो रहा है, कि नई फॉर्म क्रिएट हो रही है, राइट? सो इस तरीके से बाय दीज प्रोसेसेस माउंटेन्स इमर्ज्ड, राइट? ये जब वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, बहुत सारे मेटल्स मिनरल्स जब आउटर सरफेस तक आए, ठीक है, उससे क्या होगा, जब ये रॉक्स हैं, ठीक है, अब ये रॉक्स क्या होगा, रॉक्स के ऊपर बहुत सारी चीजों का इफेक्ट होगा, वेदर का इफेक्ट होगा, हाँ, एयर का इफेक्ट होगा, वाटर का इफेक्ट होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, रॉक का इरोजन ब्रेक होगी, इरोजन होगा, और रॉक जब ब्रेक हो जाती है तो क्या होगा, फाइनर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है, दैट मींस सॉइल, हाँ, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, राइट? फॉर्मेशन ऑफ सॉइल होगा, ठीक है, तो बाद में धीरे धीरे जब और भी बहुत सारे बैक्टीरियाज, ठीक है, इंसेक्ट्स, जब ये सारे इन्वॉल्व हो जाएंगे तो क्या होगा, उसमें उसकी न्यूट्रिशियस पावर इंक्रीज होगी, राइट? फिर क्या होगा, धीरे धीरे छोटे छोटे प्लांट्स, ग्रासेस, ये ग्रो करेंगे, राइट? बाय दीज प्रोसेसेस माउंटेन्स इमर्ज्ड, वेरियस काइंड्स ऑफ रॉक्स इमर्ज्ड, और ये रॉक्स जो थी, ठीक है, जिनका फॉर्मेशन किस वजह से हुआ था, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से हुआ था, उनसे क्या बने, प्लेट्यूज बने,
जैसे डेक्कन प्लेटू ऑफ इंडिया, राइट, वो यही वॉल्केनिक इरप्शन का रिजल्ट है, ब्लैक सॉइल इन डेक्कन प्लेट्यू, दैट इज द रिजल्ट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, क्लियर? सो प्लेट्यूज बने, रिवर्स, ओरिजिनेशन ऑफ रिवर्स। कभी कभी आप देखते हो ना, कहीं से किसी भी हिल से माउंटेन से अपने आप पानी निकल रहे, सोर्स का ही नहीं पता, अंडरग्राउंड वाटर है। प्रेशर की वजह से कभी कभी क्या होता है, कहीं फॉल्ट होता है और अंदर का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो वाटर बाहर आ जाता है, वाटर सरफेस पे, हम उसे क्या कह देते हैं, तो मैजिक, राइट? सो बाय दीज प्रोसेसेस वाटर केम इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, राइट? और धीरे धीरे जितने भी चीजें आज हम देखते हैं, ठीक है, हमारे सराउंडिंग में, वो सब इमर्ज हुई, राइट? एंड इफ यू टॉक अबाउट द लाइफ ऑन द अर्थ, सो द अर्लिएस्ट एविडेंसेस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ कम्स फ्रॉम वॉटर, कम्स फ्रॉम वॉटर, राइट? लाइफ सबसे पहले कहाँ इमर्ज हुई, वॉटर में, राइट? एंड देन ऑन द लैंड, एंड वेन वी कम टू द ह्यूमन, द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, सो वी ऑल नो दैट अवर एंसेस्टर्स वर बंदर्स, वी शुड प्राउडली से एप, क्लियर? जब आपके एडवांस वाली क्लासेस होंगी ना, तो ये जो टॉपिक अभी हमने डिस्कस किए, ये बहुत डिटेल में पढ़े जाएंगे, ठीक है? ये यहाँ तक समझ आया, क्लियरली? ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हो आप सभी, रियली, क्योंकि जो कल पढ़ा और जो आज पढ़ रहे हैं ना, दिस इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ हिस्ट्री। ये सबसे आसान लग रहा है, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, बहुत से मतलब ज्यादातर इग्नोर ही कर देते हैं इसको। चलो, इसीलिए कह रही हूँ, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है? सो वी आर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एप्स, क्लियर? एप टू मॉडर्न मैन और द प्रेजेंट ह्यूमन बीइंग। सो मैन इवॉल्व इन वेरियस फेजेस, राइट? सी देर आर टू थ्री टर्म्स, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा, होमिनोइड्स, होमिनिड्स, प्रिमेट्स, राइट? होमिनोइड्स, होमिनोइड्स, सो व्हाट इज दिस होमिनोइड्स, व्हाट डज इट मीन? ओके, देखो इजीली इसको समझो, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हेन वी आर सेइंग द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन came from ape, right? So hominoids were the special species of the apes by which the earliest men emerged. The earliest men emerged. These were the species of apes, hominoids. Earliest men emerged from these species, these were the roots, right? अब आपने जो पढ़ा कि होमिनोइड्स और होमिनिड्स में से कोई एक थे जो चार पैरों से चलते थे, अब बताओ, तो अर्लीस्ट फॉर्म जहां से इमर्ज हुई वही चार पैरों से चलेंगे? सो होमिनिड्स, देवर होमिनिड्स, होमिनोइड्स, राइट? सो दैट स्पेशल स्पीसीज ऑफ एप, ऐसा नहीं कोई और स्पीसीज ही नहीं थी एप की, देर वर वेरियस स्पीसीज ऑफ एप्स, बट दैट पर्टिकुलर स्पेशल स्पीसीज इज नोन एज होमिनोइड्स
because by these special species, earliest men evolved, earliest men emerged. Okay, इसको मैं और थोड़ा इजीली समझाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव हर्ड अबाउट अ टर्म लाइक ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज. वट हैपन्स इन द क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग दैट मीन्स द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज राइजिंग, राइट? ओके, सपोज दिस इज अ पॉन्ड, राइट, और अ वाटर टैंक, एंड देयर आर वेरियस प्लांट्स, राइट, एंड वेराइटी ऑफ फिशेस, राइट, एंड दीज फिशेस आर हैबिचुअल ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, राइट, दे कैन हैंडल दैट लेवल ऑफ टेम्परेचर, राइट, इन अ स्पेसिफिक प्लेस, कोई भी एरिया हो सकता है, ठीक है. नाउ व्हाट हैपन्स, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग द टेम्परेचर इंक्रीज्ड बाय 3 डिग्री, बाय 3 डिग्री, दैट मीन्स नाउ द टेम्परेचर ऑफ दैट पॉन्ड बिकम 33 डिग्री. क्लियर? नाउ व्हाट विल हैपन, बिकॉज दे वर हैबिचुअल ऑफ 30 डिग्री, नाउ द टेम्परेचर हैज बीन इंक्रीज्ड and it become 33. So what will happen? Many of the species of this water body will not be able to handle this temperature. So they will die. But some of them will fight for the survival, right? They will adopt the increased temperature of water, right? And some of them will survive, right? Now what will happen? Because jo survive kar gaye, right? Majboori thi, huh? Us time pe kya tha? Zarurat thi. Survive kar gaye somehow, right? Ab kya hoga? जब नेक्स्ट जनरेशन आएगी, तब तक वो जो कैरेक्टर था, जो बिहेवियर था ऑफ फाइटिंग विद द नेचर, ऑफ अडॉप्टिंग द चेंज, दैट विल बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन, राइट? सपोज देवर इन द नंबर ऑफ 100, 10 सर्वाइव्ड, नाउ द बिहेवियर ट्रांसफर्ड बाय ऑल, राइट? But after the transfer of that behavior, 5 of these 10 transferred the behavior, right, in the genetic form, and it become see, ek hota hai ek characteristic jo ek, for example, if a parent having 4 kids, right? Zaruri nahi ab un dono ki jo qualities ho, charon mein ek jaisi ho. Differences hote nature mein, behavior mein, habits mein, huh? Height mein, health mein, huh? Kisi ka padhne ka man hota hai, kisi ka khelne ka man hota hai, hota hai na? Koi bachpan mein bahut shant hota hai, koi kaisa hota hai, bahut zyada shaitan hota hai, theek hai? So these are characteristics. Ki transfer kya hua? Getting this? And after some time, that behavior becomes the genetic character. Now what will happen? For these 5, the 33 degree Celsius temperature will become genetic कैरेक्टरिस्टिक की इतना ये हैबिचुअल है, इतना ये हैंडल कर लेंगे, राइट? तुम कैसे हुआ? बिकॉज दे अडॉप्टेड द चेंज एंड इट रिजल्टेड इनटू जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक, राइट? दैट
सिमिलर थिंग हैपेंड विद देम. होमिनॉइड्स वर स्पेशल स्पीसीज ऑफ एप्स बाय विच द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन इमर्ज्ड. क्लियर? सो दीज वर द रूट्स. नाउ वी विल सी द होमिनिड्स. In these hominids, the earliest form of human emerged from hominoids, right? So the earliest form of human was Australopithecus, right? The earliest form of human was Australopithecus. Australopithecus. And यहाँ पे change क्या हुआ? See, what was the change from hominoids and hominids? क्या हुआ change? अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया, पहले वो चार पैरों पे चलते थे, अब क्या हुआ? दो पैर हो गए, दो हाथ बन गए. The body posture change हुआ, हाँ? धीरे धीरे posture में changes आने लगे, right? And इन्हीं को हम special species क्यों count कर रहे हैं? Because ये औरों से different थे, ठीक है? औरों में अ परफेक्ट टेल थी, इनमें वो नहीं थी, क्योंकि कुछ सिमिलैरिटीज हैं, इसीलिए हम ऐसे हम कहते हैं कि यही वो स्पीसीज थी जिनसे हम इमर्ज हुए, राइट? अदर्स वर हैविंग अ प्रॉपर टेल बट दे वर हैविंग सम सिमिलैरिटीज. दे वर they had adopted changes, they were different from other species, right? So in the hominids, the earliest form was Australopithecus, right? And the second category was Homo. See, this was the transition. आप इसको transitional phase भी count कर सकते हो. ये earliest form है जिसको देख के ऐसा लगा, oh, these are looking like humans by the shape of the skull, right? And their activities and some body postures, right? Australopithecus were the earliest human form, right? And Homo, that means more like human. Ye human jaise to the, lekin mainly kya the? Ape. Majority portion was and minor portion of human, but Homo, that means more like humans. क्योंकि क्या हो रहा है, धीरे धीरे genetic character change हो रहा है, and according to their character they were provided names. नाम भी किस लिए दिए गए, किस हिसाब से दिए गए? उनके अंदर जो जो changes थे उनके according दिए, ठीक है? Okay, so now Homo, in this category of Homo, कौन कौन से categories हैं? Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthal, Homo sapiens, then Homo sapiens sapiens. Okay, अब परेशान मत हो, अभी discuss कर लेते, ठीक? In this category of Homo, the earliest category was known as Homo habilis. And see, the change from Australopithecus, Homo habilis, that means more like humans, human activities, human jaisi activities karte the. Theek hai, isiliye inhone kya karna shuru kiya? They were known as tool makers. Tool makers by using stones mainly. ठीक है, तो that means कहीं ना कहीं वो जो changes थे mind को use करने वाले जो changes थे वो कहाँ से आ गए थे? Homo habilis से ही आ गए थे. And this is the most important difference in the animal, bird and human.
क्या डिफरेंस है? ह्यूमन कैन यूज देयर हार्ट एंड माइंड, राइट? एनिमल्स नहीं कर सकते. उनको दो तीन चीजें आती है, खाना, सोना, अपने आप को बचाना, ठीक है. बट ह्यूमन के अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं बिकॉज ऑफ द हार्ट एंड माइंड, वो एक्ट करता है, राइट? सो फ्रॉम दिस कैटेगरी होमो हैबिलिस दे स्टार्टेड यूजिंग देयर ब्रेन, राइट, इन द मेकिंग ऑफ टूल्स. सो होमो हैबिलिस देन होमो इरेक्टस. होमो इरेक्टस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? यस, इरेक्टस अपराइट पोस्चर ऑफ द बॉडी. ये कैटेगरी, ये एक अलग कैटेगरी बन गई बिकॉज ऑफ द बॉडी पोस्चर, राइट? और ये चेंजेस आते गए होमो नियंडरथल, देन होमो सेपियंस. सेपियंस, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस कैटेगरी इज नॉन एज वाइज, इंटेलिजेंट देन अदर्स. सो यू कैन जस्ट इमेजिन इफ वी आर कंसिडरिंग दैट कैटेगरी एज वाइज, दैट मीन्स दे हैड स्टार्टेड यूजिंग देयर ब्रेन इन क्रिएटिंग द थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स, यूटिलाइजिंग एंड एक्सप्लोरिंग द नेचुरल एलिमेंट्स, नेचुरल सोर्सेस, राइट? होमो सेपियंस एंड होमो सेपियन सेपियन. होमो सेपियन सेपियन दैट मीन्स द प्रेजेंट, द मॉडर्न मैन. सो द अर्लिएस्ट वॉज ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड द लेटेस्ट वॉज होमो सेपियन सेपियन. क्लियर? समझ आए? दिस इज द इवोल्यूशनरी थियरी ऑफ, द थियरी ऑफ इवोल्यूशन of human beings, right? Now prepare some notes. डार्विन की थ्योरी जो है वो मेनली अडॉप्शन पे है, अडॉप्शन ऑफ चेंजेस. कि ये पूरे तरह हम कह सकते हैं इसको, दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ डार्विन, राइट? बिकॉज यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जितने भी चेंजेस हैं उन सबको अडॉप्ट किया जा रहा है, ठीक है? और आफ्टर सम टाइम वो क्या हो रहा है, दे रिजल्टेड इन टू जेनेटिक चेंजेस, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक, और उससे क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, राइट? ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और एक नई लाइफ इवॉल्व हो रही है. नाउ हम अब कह तो देते हैं कि अवर एंसेस्टर्स वर एप, ठीक है, लेकिन हम उनको और खुद को एक तो नहीं मानते ना, राइट? क्यों? क्योंकि हमने उसको अडॉप्ट, चेंज को अडॉप्ट किया और हम एक नई फॉर्म में इवॉल्व हो चुके हैं, अब हम वो नहीं हैं, राइट? सो क्या हो गया, इवोल्यूशन की थ्योरी में क्या होता है, नई नई क्रिएशन होती है, नई नई स्पीसीज इवॉल्व होती है. यही तो रीजन है इतने सारे वैरायटी की लिजार्ड्स हैं इंडिया में, देर आर वेरियस वैरायटीज ऑफ स्नेक्स, हाँ, बटरफ्लाइज, क्यों है? इवोल्यूशन, चेंजेस. ह्यूमंस में ही इतनी सारी वैरायटी है ना? अगर दो भाई बहन, दो तीन भाई बहन हैं, वो भी एक जैसे नहीं दिखते, बहुत कम फीचर्स मिलते हैं, एक जैसे नहीं होते ना, तो क्या चेंज तो आ रहा है ना, नेचर में भी चेंज है, बिहेवियर में भी चेंज है ना? तो ये चेंजेस होते हैं, ठीक है, समझ आया? चलो नोट लिखो, हेडिंग लिखो, आज नोट्स नहीं लाए, हाँ? बैग लाना बंद कर दे, क्यों लिखवाते ही नहीं? फिर तो होमवर्क करने की आदत भी बंद हो गई होगी, सब बंद हो गया. अब देखो खुश हो जाऊंगी, उसके बाद पढ़ा ही नहीं.
नहीं है? बस स्टार्टिंग हिस्ट्री चल रहा था वहां पे कोरोना में। चलो लिखो। हेडिंग इवोल्यूशन, होमिनिड इवोल्यूशन, होमिनिड होमिनिड। अच्छा एक एक पेज जरा इनको दे दो। ओके वाह, होमिनिड इवोल्यूशन। नाउ फ्रॉम नेक्स्ट लाइन, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग बिगिंस फ्रॉम 5.6 मिलियन ईयर्स अगो। When the first human-like creature, when the first human-like creature appeared on the Earth's surface, appeared on the Earth's surface, full stop. Several forms of humans emerged by the time, and the modern human originated in around 1,60,000 years ago. Now, hominoids. Heading is hominoids. The great species from which the humans evolved now make bracket quadrupeds लिख देती हूँ। क्वाड्रुपेड्स कॉमा वॉकिंग ऑन फोर लेग्स एंड डिडंट हैव अ टेल। सो होमिनॉइड्स पर स्पेशल स्पीसीज बाय विच द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन इमर्स्ड। राइट नाउ होमिनिड, नेक्स्ट हेडिंग इज होमिनिड। होमिनिड्स बिलोंग टू अ फैमिली known as hominidae, known as hominidae, which includes all forms of human beings
the distinctive characteristics of hominids the distinctive characteristics of hominids include a large brain size upright posture bipedal locomotion BIPEDAL bipedal locomotion and specialization of the hands specialization of the hands clear full stop okay so in the first paragraph we discussed the time right from where the human life begins on the earth and that time period is somewhere around 5.6 million years ago right an original form of human being emerged in somewhere around 160,000 years ago right okay now heading is next heading is the phases of human evolution phases of human evolution the changes adopted by the early human the changes adopted by the early human resulted into genetic characteristics full stop so we named them and classified as per their characteristics we named them and classified as per their characteristics right now ऐसे दो एरो बनाने हैं ऐसे दो कैटेगरी बनानी है ठीक है सो इन दिस कैटेगरी वन ऑस्ट्रेलोपिथेकस इन कैटेगरी टू होमो राइट ऐसे बनाओ ओके सो अंडर द ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऐसे ब्रैकेट में लिखोगे ठीक है नोट्स ऐसे बनाने इन द फर्स्ट कैटेगरी ऑस्ट्रेलोपिथेकस और इसके नीचे आप ऐसे ब्रैकेट बना के लिखोगे ठीक है सो लिखो अ स्पीसीज ऑफ एप अ स्पीसीज ऑफ एप व्हिच वाज ट्रेस्ड ट्रेस्ड टी आर ए सी ई डी ट्रेस्ड एज The earliest form of human, earliest form of human, right? जो हमने डिस्कस किया था ऑस्ट्रेलोपिथेकस मेनली देवर एप बट कुछ फीचर्स कैसे आ गए थे ह्यूमन जैसे ठीक है दे बिलोंग्ड टू The eastern part of Africa and the time period was 5.6 million years ago. Right? Now, in the Homo category, ऐसे मत बनाना, ठीक है? कैसे बनाओगे? ऐसे क्लियर
First one is Homo habilis. Homo habilis. ब्रैकेट में लिखो टूल मेकर्स. जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी को डिस्क्राइब करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट वन इज होमो इरेक्टस. होमो इरेक्टस अपराइट पोस्चर. देन नेक्स्ट कैटेगरी वाज बिना बोर्ड पे देखें होमो नियंडरथल. देन होमो सेपियन. इंटेलिजेंट एंड वाइज. एंड होमो सेपियन सेपियंस. और थोड़े ज्यादा इंटेलिजेंट. क्लियर. ओके. सी कल का मैप याद है. मूवमेंट ऑफ दीज अर्ली ह्यूमंस इन ऑल कॉन्टिनेंट्स. राइट. वो मैप बनाना है. बना लो, याद रह जाएगा. ठीक है, थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी. चलो मैप बनाओ. Least human being, right? नहीं, मतलब नहीं, नाइल रिवर की वजह से यहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि लाइफ ज्यादा जल्दी इमर्ज हुई. जो नाइल रिवर का जो रूट है ऐसे नॉर्थ की तरफ बढ़ती है. ठीक है, सो उसकी वजह से. ठीक. सो 5.6 million years ago, m by a million years ago, right? Then they started moving towards, this portion is Western Asia, right? Then they moved to Europe, right? They entered into India, right? And other branch. जो ओरिजिनल फॉर्म है राइट ह्यूमन की, दैट वाज इमर्ज्ड अराउंड 1,60,000 इयर्स अगो. राइट. एंड मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ, मतलब जो अर्लीस्ट एविडेंसेस है दे आर फ्रॉम 5.6 मिलियन इयर्स अगो. राइट. एंड यूरोप और दिस पोर्शन में ये जो टाइम पीरियड है दैट इज
2.0 टू 1.5 मिलियन ईयर्स अगो, इसके बीच का टाइम। समवेयर यू विल फाइंड आउट 1.80, 1.9, ठीक है। सो एक ब्रॉड कैटेगरी है, ठीक है। इंडिया तक आते आते 70,000 टू 60,000, ये यहाँ पे अराउंड 20,000 टू 15,000, और यहाँ पे आते आते 12,000 ईयर्स अगो। दिस इज ऑल्सो समवेयर अराउंड 35,000 ईयर्स अगो। सी टाइम पीरियड इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बट फॉर रफली आइडिया, राइट। एंड वाई आई एम मेंशनिंग ईयर्स अगो, दैट मीन्स फ्रॉम नाउ, फ्रॉम द प्रेजेंट टाइम्स। इफ वी आर सेइंग 12,000 ईयर्स अगो, इसका मतलब क्या, आज से 10,000 ईयर्स अगो, उस इतने टाइम पहले, राइट। बन गया, हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते पूरा मैप बनाना सीख जाओगे इंडिया का, तो स्पेसिफिकली ज्योग्राफी में सीख लिया ना। अच्छा चलो ठीक है, ओके। नाउ सी, एक चीज यहाँ पे नोट करना, व्हाई वी कंसीडर दैट टाइम पीरियड 5.6 मिलियन इयर्स अगो, बिकॉज दिस इज द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमंस लाइफ, बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन, राइट, फ्रॉम 5.6 मिलियन इयर्स अगो। अब एक चीज सोचो, दे वर नॉट जस्ट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, सिर्फ जगह नहीं बदल रही थी, चेंज सिर्फ जगह में नहीं था, चेंज किस में था, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव भी हो रहे थे, राइट। प्लेसेस वर चेंजिंग अलोंग विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्ली मैन, वो चेंज क्या क्या हो रहा था, कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंजेस होते जा रहे थे, राइट। ये अर्लीस्ट, ये बिगिनिंग हम कंसिडर कर रहे हैं, और इसके बाद हम कह रहे हैं कि जो अर्ली, जो ओरिजिनल फॉर्म है ह्यूमन की, दैट इमर्ज समवेयर अराउंड 1,60,000। सो ये जो ड्यूरेशन है 4 मिलियन ईयर्स का, जो गैप है, ठीक है, 4 मिलियन ईयर्स, 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख। सो ये टाइम इतना छोटा नहीं है, ठीक है। तो ये जो टाइम था, ये क्या हो रहा था, इवोल्यूशन का टाइम था, ये बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे ह्यूमन की लाइफ में। So they were not just changing their places. Various characteristics were also changing inside them. Right? And 1.6 million years, 1,60,000 years तक आते आते क्या हो गया था? Original form आ गई थी human being की. Clear? And there are various theories. आपके book में भी होगा कि क्या क्या regional theory है, ठीक है, कि क्या क्या changes हुए. अब एक चीज तो है, common है, किसी भी कॉन्टिनेंट में देख लो, ह्यूमन बीइंग का बॉडी पोस्चर तो एक ही जैसा है, राइट। टेल किसी के भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है भाई हॉर्न्स वगैरह हो, है ना, टेल हो, ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग फीचर्स नहीं है ना कि एशियंस जो हैं उनके टेल है, ठीक है, अफ्रीकन्स में हॉर्न्स हैं, ठीक, ऐसा कुछ नहीं है ना। ह्यूमन का जो पोस्चर है वो कैसा, एक जैसा है। दैट मीन्स we are originated from the single species, that means the single region, single species, matlab roots are the same. ab uske baad jo changes hain height mein, health mein, color texture mein, ye change kyu hain, ye change kis wajah se aate hain, these changes comes with the climate, weather conditions, and some are genetics also, right। So, जगह के साथ साथ क्या हो रहा था, इवोल्यूशन वॉज कंटिन्यूड। इतना क्लियर हुआ, ओके। नाउ नाउ वी विल डिस्कस स्टोन,
एज. सी, जो बुक आपके पास है दैट इज न्यू एनसीईआरटी, राइट. एंड यूपीएससी के लिए ओल्ड एनसीईआरटी इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन द न्यू वन. न्यू एनसीईआरटी इज इम्पोर्टेंट बट ओल्ड एनसीईआरटी इज मोर इम्पोर्टेंट. तो हम क्या करेंगे, न्यू और ओल्ड दोनों को कंबाइन करके चलेंगे, कॉम्बिनेशन, ठीक है. क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चंस जहां से आते हैं वो पोर्शन ज्यादातर कौन सा, ओल्ड एनसीईआरटी से कवर होता है. हमें छोड़ना कोई भी नहीं है क्योंकि हमें एग्जाम क्लियर करना है, राइट. ओके, सो वी विल डिस्कस स्टोन एज इन अ शॉर्टर वे. मतलब बहुत रफली इसको डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे. जब एडवांस लेवल की स्टडी होगी तब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है. स्टोन एज, राइट. सो इफ वी आर सेइंग, इफ वी आर कंसीडरिंग अ टाइम पीरियड एज एन एज डेडिकेटेड टू स्टोन, दैट मीन्स एज मीन्स अ पर्टिक्युलर टाइम पीरियड विच वॉज डेडिकेटेड टू स्टोन. तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अर्थ पे उस टाइम पे सिर्फ स्टोन थे, नहीं, लेकिन स्टोन का रेलिवेंस बहुत ज्यादा था. ऐसा होता है ना, किसी भी एक टाइम पीरियड का जब नाम रखना होता है तो हम क्या करते हैं, जो सबसे ज्यादा हाइलाइटेड जो चीज होती है उसी के ऊपर नाम रख देते हैं, है ना. सो स्टोन्स वर मोस्ट रेलिवेंट ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड फॉर ह्यूमन बीइंग्स, बिकॉज जितनी भी हिस्ट्री लिखी गई है, ठीक है, वो किसके लिए लिखी गई है, किसके अकॉर्डिंग लिखी गई है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द ह्यूमंस. हम, और एक चीज और इम्पोर्टेंट है, ये जितनी भी हिस्ट्री है दैट इज अकॉर्डिंग टू ह्यूमंस, एंड ह्यूमंस में भी जितनी भी हिस्ट्री है दैट वाज रिकंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू द रॉयल क्लासेस, द प्रिंसली स्टेट्स, द किंग्स. किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है, किंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है, रॉयल क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है. कभी हिस्ट्री में हमने पढ़ा है क्या, किसी आम इंसान की कहानी पढ़ी है हिस्ट्री में, नहीं पढ़ी ना, नहीं पढ़ी. हमने किसके बारे में पढ़ा है अभी तक, जब भी हिस्ट्री पढ़ी क्या पढ़ा हमने, कि ये किंग थे, ठीक है, एंड देयर फाइट्स, देयर सक्सेस स्टोरीज, है ना, कि कितना एरिया अक्वायर कर लिया. सो ये हमेशा देखना कि जो कुछ भी लिखा गया, जो कुछ भी पढ़ा गया, जो कुछ भी हो रहा है, सब कुछ किसके अकॉर्डिंग होगा, हु इज डोमिनेटिंग. जो डोमिनेट करेगा उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ होगा, चीजें वही दिखाई जाएंगी जो डोमिनेट कर रहा होगा, ठीक है. अगर मैं ये कहूं कि दिस इज अ ग्लास विच इज फिल्ड विद वाटर, राइट, आप कहोगे नहीं मैम ये आधा खाली है, मैं नहीं आधा भरा है, तो आप उसको कैसे पढ़ो कि ये आधा भरा है. मतलब आप वही देखो जो आपको दिखाया जा रहा है, आप वही सोचो जो आपसे एक्सपेक्टेड है. सो हमेशा हिस्ट्री में, ठीक है, किसके बारे में लिखा गया, किसके बारे में पढ़ा गया, जो कुछ भी है दैट इज अकॉर्डिंग टू द डोमिनेटिंग क्लास ऑफ द सोसाइटी फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, राइट. सो उसी के नजरिए से हमने सब कुछ रिकंस्ट्रक्ट किया. सो स्टोन एज दैट टर्म वॉज प्रोवाइडेड टू द टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड में स्टोन वॉज वेरी मच रेलिवेंट टू द ह्यूमन बींग, क्योंकि ह्यूमन की जो लाइफ थी दैट वॉज डिपेंडेंट ऑन स्टोन्स. अब सिर्फ स्टोन पे तो डिपेंडेंट नहीं थी, अब खाते थोड़ी ना थे स्टोन, नहीं ना, बट स्टोन का इस्तेमाल करते थे खाने के लिए, राइट. सो स्टोन्स वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम फॉर शेल्टर, राइट, फॉर द शेल्टर मेड ऑफ रॉक्स, राइट. सो दे मेड केव्स एज देयर शेल्टर. ये रॉक्स किसकी हैं, दे आर ऑल्सो मेड ऑफ स्टोन, राइट. देन दे यूज्ड स्टोन फॉर देयर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम
वाइल्ड एनिमल्स, बिकॉज कहाँ रहते थे वो, फॉरेस्ट में. ओके, दे यूज्ड स्टोन्स फॉर हंटिंग, राइट? दैट मीन्स फॉर फूड, राइट? एंड व्हेन द ह्यूमन बीइंग बिकम वाइज, दे यूज्ड स्टोन फॉर फायर, राइट? दे यूज्ड स्टोन फॉर द पॉटरीज और वेसल्स फॉर स्टोरेज ऑफ फूड. राइट? एंड सी, दीज आर, देर आर वेराइटी ऑफ पर्पजेस. पर्पज अलग अलग हैं, तो अब जब पर्पज अलग होगा तो टाइप ऑफ टूल विल बी डिफरेंट, राइट? डिफरेंट पर्पज के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ टूल वॉज रिक्वायर्ड, राइट? सो दे स्टार्टेड मेकिंग टूल्स फ्रॉम द स्टोन, राइट? दैट्स व्हाई दैट टाइम पीरियड इज नोन एज द स्टोन एज. अब हम देखेंगे कि स्टोन एज की कैटेगरी कितनी है, ठीक है? ये नोट करो पहले. और अदरवाइज टूल्स, सो अर्लियर द टूल्स वर लार्जर इन साइज, हैवियर इन वेट, राइट? एंड लेटर स्मॉलर इन साइज, शार्पर, लाइटर, एंड द एग्जाम्पल्स आर हैंड एक्सेस, हैंड एक्सेस, एंड देन फ्लेक्स, विद द शार्प एजेस, सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ टूल्स. राइट? एंड द स्पेशल यूज ऑफ स्टोन ये कब हुआ, जब वो और ज्यादा वाइस हो गए, राइट? देन दे स्टार्टेड मेकिंग ग्राइंडिंग स्टोन ग्राइंडिंग स्टोन, राइट? ग्राइंडिंग स्टोन कैसा होता है, अभी भी आपने देखा होगा, आई होप आपने घर पे देखा होगा,
राइट है ना, दैट इज ग्राइंडिंग स्टोन, स्पेशल यूजेस ऑफ स्टोन, ग्राइंडिंग स्टोन एंड व्हील, अदर वन इज व्हील. राइट, व्हील मेड ऑफ स्टोन. अब व्हील भी आपने देखा, कल भी हमने पढ़ा, ठीक है. व्हील होता है ना स्टोन का बना हुआ, होता था पहले, ठीक है. और उसका यूज किस लिए किया जाता था इनिशियली? द व्हील्स वर यूज्ड फॉर मेकिंग पॉटरीज, राइट. एंड देन दैट व्हील स्टार्टेड यूजिंग इन ट्रांसपोर्टेशन. इट वॉज द रिवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन्स लाइफ. When the men or human being started using that wheel as the mode of transportation, that revolutionized the human's life. आज जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे पढ़ना, that will start from this, right? Transportation. Emergence of cities. ये आपका next chapter है ना? And mode of communication. राइट, ये लिख लिया. ओके, सो यूज ऑफ स्टोन. राइट, नाउ द कैटेगरी ऑफ स्टोन एज. हेडिंग इज कैटेगरी ऑफ स्टोन एज. सो वी डिवाइडेड द स्टोन एज into three categories. The whole stone age, the time period is divided into three categories, right? And these categories are, the earliest category is known as paleolithic, right? Here that term lithic, liths, that means stone, lithic that means stone, and paleo that means purana, old, old phase of stones, right? Then next category is mesolithic. Again lithic means stone and meso means in the middle, right? And the third category is known as Neolithic. Lithic means stone and neo means new. Right? New age of stone. That means stone is same. Content to same hi tha. Material same tha. Theek hai? Lekin kya hua? Change kya hua? Uses mein change hua. Type of tools change हुए, shape change हुई, size change हुआ, है ना? जो edges थे उनको और ज़्यादा sharp बनाया, नई नई चीज़ें बनाई, potteries बनाने लगे. Stone से क्या use हुआ? Stone से fire discovery हुई, है ना? Fire की wheel बना. ये जितनी नई discoveries थी, ये कब हुए? Neolithic में, right? And see that if we see the time period of Paleolithic age, that starts from 250,000 years ago to 10,000 years ago, up to 10,000 years or 12,000 to 10,000 years ago. I will let you know the difference. See, या तो हम दो चीजें ध्यान रखेंगे, एक जगह लिखा मिलेगा आपको years ago, ठीक है, और कुछ जगह आपको लिखा मिलेगा
यहाँ पे लिखते हैं ईयर्स अगो और यहाँ पे लिखते हैं हम बीसी बिफोर द क्रिश्चियन एरा, राइट। इन दोनों का डिफरेंस समझेंगे, ठीक है। क्या है दोनों में डिफरेंस? ये टाइम अलग अलग है कि एक ही है? इफ आई एम सेइंग 12,000 ईयर्स अगो और इफ आई से 10,000 सेंचुरी बीसी, ओहो स्मार्ट बॉय, अच्छा सेम ही है। कैसे सेम है अभी ये बता दो, वो मेरे बताने के अंदाज से बताया है ना कि सेम है। कैसे सेम है? बिफोर क्रिश्चियन एरा, राइट। जो टाइम हम देखते हैं अभी वो कहाँ से कैलकुलेट करते हैं? वी स्टार्ट फ्रॉम क्रिश्चियन एरा, राइट। और यहां से हम क्या पढ़ते हैं? एक दो ऐसे करते करते हम कहाँ गए? 2023 में पहुंच गए, ठीक है। लेकिन 2023 में हम अब है ना, राइट। कैसे जा रहे हैं? असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। और जब हम पास्ट की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं? 90s 80s ऐसे बात करते हैं ना, और द पीछे पीछे पीछे। तो एक टाइम ऐसा आएगा हम एक पे पहुंच जाएंगे, फिर कहाँ पहुंच जाएंगे? उसके बिगिनिंग पे पहुंच जाएंगे, जीरो, उससे पहले। फिर क्या होगा? ये सब माइनस में चलना शुरू हो जाएंगे, राइट। और यहाँ पहुंच गए हम 10,000। अब ये क्रिश्चियन एरा है तो इससे पहले का जो टाइम होगा वो क्या होगा? बिफोर क्रिश्चियन एरा, तो 10,000 BCE, राइट। अब बिकॉज वी आर हियर, सो इफ समवन सेज 10,000 BCE, राइट, दैट मींस आज से कितने साल पहले की बात है? 10,000, 10,000 तो यहां से यहां तक है, 10,000 तो यहां से यहां तक हो गया, ये टाइम कहाँ गया फिर? कितना हो गया? क्या कर रहे हो? मैम ट्वेल्व हाँ थाउजेंड 12,000, हाँ, तो प्लस ही तो करना है, तो मैं कहाँ माइनस करने को बोल रही हूँ। इफ वी आर हियर इन 2023 एंड आई एम सेइंग 12,000 ईयर्स अगो, आज से 12,000 साल पहले है ना, तो 12,000 में से 2,000 तो ये माइनस कर दो, ठीक है, और 10,000 और थोड़े पीछे चले जाओ तो 10,000 BCE, ठीक है। तो या तो आप 10,000 BCE लिखो या 12,000 ईयर्स अगो लिखो, थिंग्स विल बी सेम, समझ आया? तो ये जो लिखा होगा उसकी तरफ ध्यान देना। एडी, दैट इज इसके बाद का जो टाइम है उसे एडी लिखेंगे, एनो डोमिनी, राइट। ये क्या होगा? एडी। और ये क्या होगा? बीसी। एडी में हम क्या करेंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है ना। बाद के इवेंट्स के लिए हम क्या करते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है। That means 1850 के बाद 1851 आता है इन AD, और BCE में क्या होगा? 1850 के बाद 1849 आएगा, क्योंकि वहां हम क्या कर रहे हैं? बिफोर जा रहे हैं ना, वो डिक्रीजिंग, ये क्योंकि टाइम इसके बाद का जो टाइम है वो फिर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेते रहेंगे, ठीक है। क्लास कंटिन्यू चल रही है, ठीक है, क्लियर, समझ आ गया? नोट कर लेना इसको, अगर ऐसा लगे भूल जाओगे तो, ठीक है। सो द पैलियोलिथिक एज का टाइम क्या है? फ्रॉम
250,000 ईयर्स अगो टू इधर 12,000 ईयर्स अगो, और द बीसी में 10,000 बीसी, ठीक है? ओके okay. अब सोचो पैलियोलिथिक एज का जो टाइम पीरियड था वो कितना ज्यादा टाइम था, राइट? फ्रॉम 250,000 टू समवेयर अराउंड 10,000 बीसी, इतना लंबा टाइम इज कंसिडर्ड दैट फेज ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ह्यूमंस लाइफ इज कंसिडर्ड एज पैलियोलिथिक ओल्ड फेज ऑफ स्टोन्स विद ह्यूमन बीइंग, राइट? दैट्स व्हाई ये जो फेज है इसको भी थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पैलियोलिथिक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री. सो द अर्लीस्ट फेज ऑफ पैलियोलिथिक इज नोन एज लोअर पैलियोलिथिक. देन मिडल पैलियोलिथिक एंड देन अपर पैलियोलिथिक. अपर पैलियोलिथिक दैट मींस मेजोलिथिक से जस्ट बिफोर कौन सा पीरियड था? अपर पैलियोलिथिक था, राइट? ये अर्लीएस्ट है लोअर पैलियोलिथिक, देन मिडल पैलियोलिथिक एंड देन अपर पैलियोलिथिक. आफ्टर अपर पैलियोलिथिक मेजोलिथिक का. ये समझ आए इतना है? ओके नाउ सी मेजो दैट मींस द मिडल पोर्शन ऑफ अ टाइम पीरियड. अब जब हम इसको मिडल स्टेज काउंट कर रहे हैं दैट वाज द मिडल फेज बिटवीन ओल्ड एंड न्यू दैट मींस इन दिस टाइम पीरियड सम हैबिट्स एंड सम कैरेक्टरिस्टिक्स वर ओल्ड एंड सम चेंजेस केम एज न्यू. यहां पे क्या होगा? मिक्सिंग होगी, ओल्ड और न्यू का मिक्सअप होगा. फॉर एग्जाम्पल इंडिया में अभी क्या है, हमारी अपनी एक संस्कृति, वी आर हैविंग अ डिफरेंट कल्चर, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, राइट? अदर देन द वर्ल्ड हमारी अपनी कुछ स्पेसिफिक कल्चर्स हैं, राइट? अब क्या हो रहा है, अब हमने नए नए चेंजेस अडॉप्ट कर लिए. वी आर अडॉप्टिंग न्यू थिंग्स फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड, है ना? इसलिए हम कहते हैं ना कि इंडिया का क्या हो रहा है, वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, बिकॉज वी आर अडॉप्टिंग डिफरेंट कल्चर्स, राइट? अब क्या होगा, अभी तो जस्ट शुरुआत है ना? अभी ये जो शुरुआत है ये सिर्फ किस में आई है, इन द फूड हैबिट्स, इन द क्लोथिंग पैटर्न, राइट? अभी इन चीजों में आई है, टेक्नोलॉजी, म्यूजिक. अब आगे आगे ये चीजें कहाँ आएंगी, सोसाइटी में आएंगी, एंड देन दे विल बिकम द पार्ट ऑफ अवर सोसाइटी, राइट? अभी हर जगह का अपना एक अलग कल्चर है सोसाइटी का, है ना? अपने अपने कस्टम है. फिर हम क्या करेंगे, फिर हम बोलेंगे हमारा एक ही कस्टम है, एक ही कल्चर है, एक ही ट्रेडिशन है, एंड दैट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एक ही रूल है, एक ही लॉ है, एंड दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है? और फिर अगर पेरेंट्स आपको बोलेंगे नहीं बेटा ये काम ऐसे करो, तो बोले सॉरी डैडी आई एम हैविंग फंडामेंटल राइट्स, और इतनी देर में फिर फंडामेंटल राइट्स वहां से आएगा. हाँ हमने तुम्हें ह्यूमन राइट्स दिलाए, तुम हमें फंडामेंटल राइट्स सिखाओगे इधर आ, तो है ना? ये ऐसा होगा. फिर अब क्योंकि डैडी ही वेस्टर्न हो जाएंगे तब तक कल्चर में, तो उसके बाद उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, राइट? सो दैट मींस जो मिडिल फेज है दैट इज अ कॉम्बिनेशन
ऑफ ओल्ड एंड न्यू, राइट, कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड एंड न्यू, एंड दिस टाइम पीरियड इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशनल फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ. ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मीन्स ये वो एक टाइम है जहां चेंज हो रहा है. द टाइम पीरियड ऑफ चेंज ऑन ड्रास्टिक लेवल. सो ट्रांजिशन फेज बिटवीन ओल्ड एंड न्यू, राइट. सो मीजोलिथिक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड एंड न्यू एंड ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशनल फेज बिटवीन पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक. एंड इफ वी सी द टाइम रेंजेस, सो इट रेंजेस समवेयर बिटवीन 10,000 to 8,000 BCE, right? At some places you will see 7,000, but don't worry about it. Follow this, ठीक है? क्योंकि इसके बाद बाद से नियोलिथिक टाइम स्टार्ट हो गया था, तो ये भी अगर लिखोगे तो गलत नहीं हो जाओगे, ठीक है? Okay. Then Neolithic, that means new things or new types of stones came. So that time period starts from somewhere around 8,000 or 7,000 BCE, right? And if we talk about Indian subcontinent, right? So the characteristics of Neolithic in Indian subcontinent, right, can be seen from a site that is known as Mehrgarh. Mehrgarh, which is in the Balochistan in Pakistan right now, right? See, Neolithic, ab ek brief summary deti hu iska, theek hai, key difference. In the Paleolithic age, the human was completely, pura dhyan se sunna, theek hai? In the Paleolithic age, human was very much close to the nature, and human, they were completely dependent on the nature, right? And they were using the things, the sources of nature in the original form. That means animal hai, hunting kiya, mara, kha gaye. Forest mein ghoom rahe hain, fruits, vegetables, leaves, roots, ये दिखे, खा गए, राइट. एनिमल है, अब टूल्स थे उनके पास, तो क्या करेंगे, उसके स्किन निकाली, पहन लिया, ठीक है. दैट मींस दे यूज्ड द नेचुरल रिसोर्सेस इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, जिस ओरिजिनल फॉर्म में था वैसा यूज किया, क्लियर. यहां से आए मेसोलिथिक में, तो मेसोलिथिक में थोड़ा चेंजेस आए. व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस दे अडॉप्टेड? यहाँ पे मेनली दे वर नोन एज हंटर्स एंड फूड गैदरर्स. हंटर्स एंड फूड गैदरर्स, से इट, इन द पैलियोलिथिक दे वर हंटर्स एंड फूड गैदरर्स, राइट. इन द मेसोलिथिक एज दे स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग द एनिमल्स, राइट. यहाँ पे हंटिंग एंड फूड गैदरिंग इन मेसोलिथिक, क्या हुआ यहाँ पे, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. सी, अभी तक एनिमल्स का क्या हो रहा था, हंटिंग हो रही थी, अब क्या हो रहा है, डोमेस्टिकेशन. अब उनको पेट बनाने लगे, अपने साथ रखने लगे, domestication of animals, and there were different purposes behind the domestication of animals which we have discussed in the last class. For example, domestication of animals for meat. See, देखो चीजें ऐसे एकदम से तो उनको समझ में नहीं आई होगी. पहले क्या करते थे, hunting भी, hunting से पहले, hunting का मतलब क्या होता है,
हंटिंग मीन्स पर्पस फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस. किलिंग ऑफ एनिमल और बर्ड इज नोन एज हंटिंग और फार्मिंग. राइट, हंटिंग मीन्स आपने पर्पसफुली किसी को मार दिया. ठीक है, हंटिंग से पहले क्या होता होगा, जो कहीं मरे हुए मिलते होंगे उन्हीं को खाते होंगे. अब कहीं मरे हुए नहीं मिले, दे डिडंट फाइंड द डेड एनिमल, सो क्या क्या करने लगे, फिर मार के खाना शुरू किया. व्हेन दे स्टार्टेड हंटिंग दे बिकम अवेयर अबाउट द बिहेवियर ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, कि ये एनिमल ऐसा है ये हमसे डर के भागता है और ये एनिमल ऐसा है कि हम इससे डर के भागते हैं. सो जैसे यूपीएससी होता है ना, यूपीएससी का सिलेबस की जब अच्छे से नॉलेज हो जाती है तो यूपीएससी का, यूपीएससी प्रिपरेशन का बेस्ट मंत्र क्या है, गो थ्रू द सिलेबस, गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. इन दोनों कामों को कर लोगे तो आपको पता चलेगा व्हाट टू रीड व्हाट नॉट टू रीड, कहाँ एनर्जी लगानी है कहाँ नहीं लगानी है. वरना बच्चे एक साल तक कुछ ही पढ़ रहे होते हैं, बाद में एक साल बाद पता चलता है ओहो गलत पढ़ लिए, है ना, टाइम एनर्जी गया. ठीक है, दैट हैपेंस. सो एक्सपीरियंस से सीखते हैं ना, सो दे आल्सो लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस. यहां से यहां में डिफरेंस क्या था, दे बिकम अवेयर अबाउट द बिहेवियर ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. और जब बिहेवियर की नॉलेज हो गई तो उन्होंने क्या किया, जिनको अपने साथ रखा जा सकता था, जिनको कंट्रोल किया जा सकता था, राइट, दोज स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हु वर इजी टू कंट्रोल, दे स्टार्टेड द ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग देम, अपने साथ ले. अब साथ लाने के पर्पजेस इनिशियली कुछ भी हो सकते हैं. ये भी हो सकता है कि एक साथ एक दिन हंटिंग के लिए निकले थे, एक की जगह चार पांच आ गए, ग्रुप पूरा. अब उन्होंने कहा ये तो काफी दिन का इंतजाम हो गया, क्या करें, ले चलो बांध के घर ले आए. ठीक है, फिर अच्छा लगने लगा ऐसे करने. ठीक है, फिर हो सकता है उनके साथ कुछ बच्चे भी आ गए होंगे, है ना, एनिमल्स के. अब बच्चे आ गए होंगे तो अब जो ह्यूमंस थे उनके भी बच्चे होंगे, वो बच्चे बच्चे खेलने लगे होंगे, फिर उनको साथ में रखना शुरू कर दिया होगा. फिर एक टाइम, फिर एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में उनको समझ में आने लगा, ओ सिर्फ मीट ही यूज नहीं होता है, ये तो मिल्क भी यूज होता है ना. जैसे कल हमने समझा था कि एनिमल के बच्चे दूध पी रहे होंगे तो उनके बच्चे भी चले गए होंगे, फिर उनको समझ में, ओह दिस इज वेरी यूजफुल, राइट. सो बिहेवियर से उनको समझ में आने लगा. सो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड पर्पजेस बिहाइंड द डोमेस्टिकेशंस वर वेरियस, लाइक मीट, मिल्क एंड वुल, राइट, एंड लेबर. अब ह्यूमन ब्रेन है, देखो ब्रेन वॉज डेवलपिंग, है ना, और ह्यूमन से ज्यादा लालची कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में, है ना. मिल्क मिल रहा है उससे भी सब्र नहीं है, फिर मार के भी खा जाते हैं उसको, मीट बना खा लेते हैं, मतलब यूज कर लेते हैं उसको, खा लेते हैं, उससे भी सब्र नहीं, जब तक जिंदा है फुल एक्सप्लॉयटेशन, राइट. एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहे हैं तो उसपे सामान भी रख दिया, बच्चे भी बिठा दिए, खुद थक गए तो खुद भी बैठ गए. समझ में आने लगा, ओ ये एनिमल इसलिए यूज हो सकता है, वरना लायन को नहीं बनाया उन्होंने पेट, है ना, है ना. तो क्या हुआ, बिहेवियर की वजह से, राइट. सो दैट हैपेंड इन द नियोलिथिक फेज, राइट. एंड इन द नियोलिथिक व्हाट हैपेंड, टू थिंग्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स प्लस एग्रीकल्चर. सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर, द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फूड गैदरिंग एंड द एग्रीकल्चर, इन द फूड गैदरिंग दे वर यूजिंग द फूड फ्रूट वेजिटेबल प्लांट्स इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, और जितना नेचर ने प्रोवाइड किया उतना, जहां प्रोवाइड किया
वहां, ठीक है, लेकिन एग्रीकल्चर दैट मींस प्रोड्यूसिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस, मतलब अब खुद से प्रोड्यूस करने की जो जो एक अवेयरनेस, एक नॉलेज उनके अंदर आई, दैट इज अ रिवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस लाइफ। अब नेचर जो प्रोवाइड कर रही है, सिर्फ उतना नहीं, अब नेचर से प्रोड्यूस कर रहे हैं। गेटिंग दिस, दैट वाज द डिफरेंस। दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग थिंग्स बाय यूटिलाइजिंग द नेचुरल रिसोर्सेस। अभी तक नेचुरल रिसोर्सेस थे, लेकिन जैसा नेचर ने दे दिया, जितना दे दिया उतना, अब नेचुरल रिसोर्सेस का यूज करके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस कर लेना, राइट? सो दैट हैपेंड इन द नियोलिथिक एज, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एंड एग्रीकल्चर। क्लियर? अलोंग विद दीज, सम इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज हैपेंड इन नियोलिथिक टाइम पीरियड। डिस्कवरीज लाइक फायर, हो सकता है कभी आपस में पत्थर मार मार के खेलो, लड़ाई हो रही हो, है ना? अब देखो ऐसे एग्जांपल से समझ में आती है चीजें, ठीक है? आपस में लड़ाई कर रहे हो, ठीक है, पत्थर मार मार के, दो पत्थर टकरा गए और वहां से क्या स्पार्किंग हुई, ठीक है, और जो ड्राई मतलब कुछ पत्तियां लीव्स वगैरह पड़ी होंगी, जल गई होंगी वो। अब जैसे ही वहां पे फायर मतलब जैसे ही आई होगी, देख के सबसे पहले रिएक्शन क्या हुआ होगा? ओहो, ये तो चमत्कार है। और चमत्कार के चमत्कार भी कैसा, थोड़ा डरावना। दे मस्ट बी स्केर्ड, हाँ, भाग गए होंगे, ठीक है, अब वहां से खुद भाग गए होंगे, लेकिन जो एनिमल्स को जिनको बांध के रखा हुआ था वो वहीं रह गए होंगे। अच्छा, वो वहीं रह गए होंगे तो क्या हुए होंगे, क्या हुआ होगा? वो पक गए होंगे। थोड़ी देर बाद फिर जब माहौल ठीक हो गया होगा, फिर आए होंगे देखने, फिर उनका ओहो हमारा तो खाना खराब हो गया, एनिमल्स हमारे खत्म हो गए। अब मजबूरी में क्या करें, अब जैसा है वैसा खाएं, उसको खा के देखा होगा, फिर उन्होंने कहा ओह दे बिकम टेस्टियर, ये तो और भी ज्यादा टेस्टी हो गए। उन्होंने कहा अच्छा, अब ऐसे ही खाएंगे, ठीक है। देन सी, फायर का एक नेचर होता है, इट इज डिस्ट्रक्टिव इन द फॉर्म, इट इज डिस्ट्रक्टिव इन द नेचर। फायर कैसी है? डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्शन करती है। कब डिस्ट्रक्शन करती है? अगर अनकंट्रोल्ड हो तो। एंड थिंक दे वर वेरी क्लेवर एंड वाइज, दे बिकम अवेयर अबाउट द कंट्रोल ऑफ फायर, हाउ टू कंट्रोल द फायर, एंड यूज द फायर इन अ कंट्रोल्ड वे अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। कि अगर खाना पकाना है तो उसी कंट्रोल्ड वे में फायर होना चाहिए, फायर का यूज होना चाहिए, अदरवाइज हम पक जाएंगे, राइट? सो द नियोलिथिक पीपल वर मोर क्लेवर एंड वाइज, राइट? सो यूज ऑफ फायर, देन डिस्कवरी ऑफ व्हील फॉर मेकिंग पॉटरीज एंड ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर? सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नियोलिथिक स्टोन एज, राइट? ओके, नाउ टेल मी, स्टोन एज वाज डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज पैलियोलिथिक, राइट, देन मीजोलिथिक, देन नियोलिथिक। पैलियोलिथिक वाज डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरी। सो द अर्लीस्ट वन वाज लोअर पैलियोलिथिक, देन मिडल पैलियोलिथिक, एंड देन अपर पैलियोलिथिक, देन मीजोलिथिक, एंड देन नियोलिथिक, राइट?
ना, एक चेंज और हुआ. इन द पैलोलिथिक टाइम पीरियड मेनली दे वर लिविंग इन द रॉक शेल्टर्स, इन द हिली एरिया, राइट. ऐसा एरिया जहां पे हिल्स भी हो, रिवर भी हो, राइट, और ताकि उनको शेल्टर भी मिले, ठीक है, खाने के लिए एनिमल्स भी मिले, क्योंकि एनिमल्स कहाँ आते हैं, जहां पानी होगा वहां आएंगे, राइट. तो ऐसी जगह देखते थे, ठीक. फिर धीरे धीरे मेसोलिथिक तक आके उन्होंने क्या किया, थोड़ा हिली एरिया से थोड़ा नीचे वाली साइड में आना शुरू किया. एंड इन द नियोलिथिक टाइम पीरियड दे स्टार्टेड लिविंग इन द प्लेन्स रीजन, इन द प्लेन्स. व्हाई? बिकॉज नाउ दे स्टार्टेड एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के लिए प्लेन एरिया चाहिए, राइट. अब प्लेन एरिया में रॉक शेल्टर नहीं होंगे, है ना. अब रॉक शेल्टर तो है नहीं, बट रहने के लिए जगह चाहिए, राइट. सो क्या करना पड़ेगा, घर बनाना पड़ेगा, राइट. एंड देन दे स्टार्टेड बिल्डिंग देयर ओन हाउसेस, बिकॉज इन फॉर द एग्रीकल्चर वट इज रिक्वायर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ एग्रीकल्चर इज नीड टू स्टे एट अ प्लेस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या जरूरी है, दे नीड टू स्टे एट अ प्लेस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, राइट. तभी तो जो अब जो ग्रो करना चाह रहे हैं उसको पूरा टाइम देना पड़ेगा ना. और एग्रीकल्चर दैट मीन्स व्हाट, वन मोर थिंग इज इंपॉर्टेंट हियर, दे लर्न्ड अबाउट द नेचर, द सीजन्स, राइट, द क्लाइमेट, एंड देन दे यूटिलाइज्ड द नॉलेज ऑफ सीजन्स एंड क्लाइमेट फॉर एग्रीकल्चर, राइट, फॉर फूड ग्रेन्स. सो एक जगह पे ज्यादा टाइम तक रुकना पड़ेगा, एंड द एरिया वॉज प्लेन एरिया, सो दे नीड टू बिल्ड ऑन हाउसेस, राइट. दैट मीन्स फ्रॉम अ चेंज केम फ्रॉम नॉमेडिक लाइफ टू परमानेंट सेटलमेंट. मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज ऑफ ह्यूमंस लाइफ. लिसन, अगर ये नोट नहीं किया है आपने तो इसको नोट करो फटाफट. कर लिया? ओके. सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है इसको. आप इसको कैसे लिखोगे, शिफ्ट फ्रॉम नॉमेडिक लाइफ टू परमानेंट सेटलमेंट. शिफ्ट फ्रॉम नॉमेडिक लाइफ टू परमानेंट सेटलमेंट. राइट. ओके. नाउ वी विल डिस्कस द रिजल्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट. अब परमानेंट सेटलमेंट में क्या होगा, एक जगह पे ज्यादा दिन तक रुकना है, ठीक है. तो पहले अर्लियर दे वर लिविंग इन द ग्रुप, राइट, इन द रॉक शेल्टर्स, बट नाउ दे स्टार्टेड मेकिंग देयर ओन हाउसेस अकॉर्डिंग टू देयर ओन चॉइसेस, कि राउंड बनाना है या स्क्वायर बनाना है, राइट. अपनी अपनी चॉइस, ठीक है, अपने अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लिया उसको, ठीक है. परमानेंट सेटलमेंट अब क्या होने लगा, ये जो परमानेंट सेटलमेंट था दैट वाज नॉट जस्ट फॉर द लिविंग पैटर्न, दैट क्रिएटेड अ चेंज इन द सोसाइटी एज वेल, इन द ग्रुप एज वेल, राइट. देन दे स्टार्टेड फैमिली लाइफ, अ सेंस ऑफ फैमिली इमर्ज्ड इन द परमानेंट सेटलमेंट, राइट. ठीक. अभी ये परमानेंट
परमानेंट सेट, जब एक जगह पे ज्यादा टाइम तक रुकते हैं तब इमोशनल बॉन्ड क्रिएट होता है आपस में, ठीक है, और फिर क्या होता है, अपना अपना हाउस, राइट। एंड दिस इज द होल ट्राइब, एक ही ट्राइब है, एंड विद इन द ट्राइब दे स्टार्टेड मेकिंग देयर ओन हाउसेस, राइट, ओन हाउस दैट मीन्स ओन फैमिली। सो दैट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ परमानेंट लाइफ, दैट मीन्स द सेंस ऑफ फैमिली इमर्स्ड इन द ह्यूमन बींग्स, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द एनिमल्स एंड द ह्यूमन्स, राइट। अदरवाइज वी ऑल आर द सेम, बट ह्यूमन्स आर वेरी मच कनेक्टेड विद देयर फैमिलीज। सो जब फैमिली बनी तो फिर क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन हुआ, है ना। सो फैमिली लाइफ एंड प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कम्युनिटी, दीज टू पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट एज द रिजल्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। दीज टू थिंग्स, फर्स्ट वन इज द फैमिली लाइफ एंड सेकेंड थिंग इज ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कम्युनिटी। ऑर्गेनाइजेशन कैसे, देखो अर्लियर दे वर लिविंग इन द ग्रुप, राइट। अब ग्रुप में भी क्या होगा, ग्रुप में थे तो क्या करते थे, सब एक साथ जाते थे फॉर हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, राइट। उसमें क्या होगा, जो सबसे ज्यादा एबल होगा, हु वाज द मोस्ट कैपेबल अमंग द ग्रुप, उसको क्या बनाया जाता होगा, लीडर, है ना। अब ऐसा तो नहीं कि किसी कमजोर इंसान को बोले कि हाँ तू लीड कर, और हंटिंग के लिए गए और थोड़ा डेंजरस टाइप का, रिस्की टाइप का एनिमल आ गया, सब भाग जाए, ठीक है। जो लीडर होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, नॉट जस्ट फिजिकली फिट बस, बट मेंटली स्ट्रॉन्ग इनफ, है ना। सो दैट वॉज द वे ऑफ लिविंग। नाउ दे व्हेन दे स्टार्टेड लिविंग देयर फैमिली लाइफ, अब भी एक लीडर की जरूरत है, राइट। सो बाय मेजोरिटी, राइट, दे डिसाइडेड देयर हेड और चीफ ऑफ द ट्राइब, दैट मीन्स नाउ दे ऑर्गेनाइज्ड देयर होल ट्राइब। एंड सी, अगर ये पैटर्न आपको याद रह गया ना, ठीक है, यहां से याद रह गया, आपको पूरी आगे की हिस्ट्री समझ आएगी। कैसे, अभी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दे स्टार्टेड नॉमिनेटिंग अ पर्सन एज देयर चीफ, चीफ ऑफ ट्राइब, सेठ, चीफ ऑफ देयर ट्राइब, राइट। अब क्या होगा, जब किसी एक को चीफ बना दिया पूरी ट्राइब का, सो डिसीजन मेकिंग वाज इन द हैंड ऑफ चीफ, राइट। वो ऑर्डर देगा, सब फॉलो करेंगे, वो डिसाइड करेगा कि ट्राइब के लिए क्या सही है, हंटिंग के लिए कहाँ जाना सही होगा, हाँ, फूड गैदरिंग कहाँ से होगी, ठीक है, और एग्रीकल्चर में इस बार क्या क्या ग्रो करने वाले हैं, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। और कभी रिसोर्सेज की कमी हो गई उनकी ट्राइब में, तो भी किसके पास जाएंगे, सब चीफ के पास। अब वो बोलेंगे जो पड़ोसी ट्राइब है ना, दे आर वेरी वेल्दी, उनके पास तो एनिमल्स की वैरायटी भी बहुत है, दे आर हैविंग इनफ पास्चरलैंड्स एज वेल, और वहां के जो सॉइल है ना, वहां पे प्रोडक्शन भी अच्छा होता है, कहता ओ थोड़ा मांग लो, गए होंगे हेल्प लेने, कहा होगा भाई थोड़ी मदद कर दे, उसने कहा भग जा, वापस आके बताया होगा अपने चीफ को, ऐसे ऐसे भगा दिया हमें, कि अच्छा, हाँ, हु इज द चीफ देयर, फिर अच्छा, वही, हाँ, उसके साथ तो बड़ा ईगो क्लैश है मेरा, वी विल अटैक, वी विल हैव फाइट। उन्होंने क्या किया होगा, सोल्जर्स तैयार किए होंगे अपने, कि हंटिंग एनिमल्स की नहीं, पहले वही चलेंगे, ठीक है। दैट मींस कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द ट्राइब्स एंड द पर्पस वर पास्चरलैंड्स, एनिमल्स, लैंड एरिया, फर्टिलिटी,
फॉर एग्रीकल्चर, राइट। अब क्या होगा, ये और भी ज्यादा पावरफुल बन गया, अब उसको अक्वायर कर लिया, जीत लिया। हाँ हार गए, तो वैसे मैं मरी रही थी ना है ना, तो हार गए तो सब कुछ उसका, जीतने वाले का। यहीं से तो ये चीजें आई, ठीक है, कि कैसे एम्पायर बने, गेटिंग दिस। अभी क्या हुआ, ट्राइब्स हैं, ट्राइब, वन ट्राइब बिकम मोर पावरफुल देन अदर्स, राइट। अब क्या होगा, एक का डोमिनेंस बनता जा रहा है एरिया में। अब जिसका डोमिनेंस, अब आप सपोज करो, आप मतलब खुद अपने आप को इमेजिन करो कि यू आर द चीफ एंड यू आर द विनर, राइट। सो अब क्या होगा, जरूरत हो या ना हो, नजर रहेगी पड़ोसियों पर, किसके पास ज्यादा सोर्सेस हैं, ठीक है, ठीक है। और आप क्या करेंगे, बार बार अटैक, अक्वायर, अटैक एंड अक्वायर, राइट। और इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, डोमिनेंस विल इंक्रीज, राइट। अब सोचो फ्रॉम द माइंडसेट ऑफ दैट चीफ, राइट। अभी वो क्या सोच रहे हैं, मैं लीड करता हूं, ठीक है, जितनी भी फाइटिंग्स होती है आई विल हैव टू लीड, राइट। तो रिस्क सबसे ज्यादा किसका है, किसकी जान को है, मेरा। मुझे कुछ हो गया, सबसे ज्यादा सफर कौन करेगा, मेरी फैमिली करेगी, ठीक है। तो अब आप सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब आप सब मुझे कुछ ऑफर्स देंगे, कुछ गिफ्ट्स देंगे इन डिफरेंट सेरेमनीज, राइट। एंड दीज ऑफरिंग्स वर नोन एज बलि, दीज ऑफरिंग्स वर नोन एज बलि। यहाँ बलि दैट डजंट मीन किलिंग ऑफ एनी एनिमल और लिविंग थिंग, बलि मीन्स सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस ऑफ व्हाट, सेक्रीफाइस ऑफ व्हाट एवर दे वर हैविंग। लाइक अगर किसी के पास फूड ग्रेन है तो वो ऑफर करना, किसी के पास एनिमल्स हैं तो एक दो एनिमल दे दिया, फ्रूट्स हैं तो फ्रूट्स दे दिए, वेजिटेबल है तो वेजिटेबल दे दिया, बलि दैट मीन्स सेक्रीफाइस, राइट। अब जैसे जैसे डोमिनेंस होगा, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा, ये जो हेड है इसका डोमिनेंस बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा, ईगो और ज्यादा बढ़ेगा, एटीट्यूड विल इंक्रीज ऑल्सो। सो अब उन्होंने क्या कहा कि अभी तक यू वर ऑफरिंग अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, हाँ, पिछली सेरेमनी में तो इतने ज्यादा फ्रूट्स लेके आए थे, इस बार दो ही ले आए, व्हाट इज दिस, ऐसे नहीं चलेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अब बलि तो ठीक है, बट आप जो भी अर्न कर रहे हैं, व्हाट एवर यू आर अर्निंग, व्हाट एवर यू आर प्रोड्यूसिंग, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज आई एम द प्रोटेक्टर ऑफ द होल ट्राइब, सो यू आर रिस्पॉन्सिबल टू ऑफर अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ योर अर्निंग्स, राइट, पर्टिकुलर पार्ट ऑफ योर अर्निंग, दैट मीन्स पार्ट को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, भाग। सो दे यूज्ड अ टर्म दैट इज भाग, राइट। सो बलि प्लस भाग। तो अब बताओ, आज की गवर्नमेंट ये नहीं लेती क्या, भाग दैट इन इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स, वी पे अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अवर अर्निंग्स, है ना। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस, हाँ, ठीक है। सो अब यहाँ से क्या हुआ, चीफ जो थे, ट्राइबल चीफ जो थे, अब क्या होने लगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ टैक्सेशन इन द रियल फॉर्म, और यही ट्राइब और ज्यादा जन बने, जन मीन्स द ट्राइबल मैन, ठीक है, जो ट्राइब्स मैन थे उनको क्या कहते थे, देवर नॉन एज जन, राइट। सो अर्लियर द चीफ ऑफ द ट्राइब वॉज हैविंग राइट ओवर ऑल द जन, जन मीन्स पीपल, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ऑफ हिज ट्राइब, राइट, पॉपुलेशन, राइट। दैट मीन्स इफ देयर आर टोटल 100 ट्राइब्समैन इंक्लूडिंग मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन, 100, दैट मीन्स ही वॉज हैविंग राइट ओवर 100 जन, राइट।
After some time, he started claiming over the land also. That means now I am not just having right over you. I am having right over whatever you are having, your property, your land area as well. All the resources are under mine. So people were Jan, people plus property, that means other resources were known as Janapad. है ना, कि जहां जहां तक मेरे ट्राइब के लोग रह रहे हैं वो पूरा एरिया मेरा है. ऑल द रिसोर्सेज ऑफ दैट रीजन बिलोंग टू मी. जो इज़राइल ने किया, फिलीपींस में इतनी सी जगह मिली थी. ठीक है, फिलीपींस बोल रही हूँ, फिलिस्तीन, थोड़ी सी जगह मिली थी. ठीक है, और उन्होंने कहा था कि ठीक है, जहां तक तुम्हारे लोग रहते हैं वो एरिया तुम्हारा. एंड सी दे वर वेरी क्लेवर. उन्होंने कहा अच्छा, जहां तक हमारे लोग रहेंगे वो एरिया हमारा. बोले हाँ, तो अपने एरिया अपने लोगों को कहा जाओ रे, दूर दूर बसो. दूर दूर बस गए. उन्होंने कहा ये अब जहां तक हम रह रहे हैं हमारा, फिर और दूर दूर बसे, और दूर दूर बस. अब पैलेस्टाइन को टेंशन होने लगी कि रे ये तो हमारा एरिया अक्वायर कर रहे हैं. नो, यू आर रॉन्ग. जहां जहां हम रह रहे हैं वो एरिया हमारा. और अब पैलेस्टाइन की कंडीशन देखो, आप गूगल पे सर्च करना क्लास के जस्ट बाद, बाहर निकलने से पहले, पैलेस्टाइन एंड इजराइल बिफोर एंड आफ्टर. पहले पैलेस्टाइन बड़ा था, इजराइल ऐसे था, ऐसे डॉट 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 ऐसे दिखाई देता. अब इसराइल ही इसराइल है, पैलेस्टाइन बेचारा परेशान हो गया. ठीक है, तो ये कंडीशन थी. दैट सेम पैटर्न फॉलोड बाय देम, राइट? ठीक है, सो दे स्टार्टेड क्लेमिंग ओवर द लैंड आल्सो. जन बिकम जन पद, राइट? एंड अमंग दीज ऑल जनपदा सम बिकम मोर पावरफुल एंड दे वर नोन एज महाजनपद, ग्रेटर, राइट? इन द हिस्ट्री 16 महाजनपदास वर देयर, 16 महाजनपदा. क्लियर? तो इसको बना लो, थोड़ा सा याद रह जाएगा, वो लिख लो. ठीक है, क्लियर? ठीक है. सो एंड next class we will learn about the scripts and languages, right? Or mode of communication, right? Mode of communication, jo earliest mode of communication tha, wo kaisa tha, jiske evidence hamare paas hai, that is painting. That is paintings, painting of paleolithic. Paleolithic, earliest stone age, Paleolithic. और Paleolithic में भी कौन सा? Upper Paleolithic. ठीक है? तो we found the evidences of the earliest painting by human beings from the time period of Upper Paleolithic. Yeah. Upper Paleolithic. Right? इस time period से. Painting means expression of the thoughts, expression of the emotions, right? And these paintings are known as mode of communication as well. And whatever we are having information, whatever information we are having about these people right now, it is based on the archaeological evidences and paintings about their society, right? कल जब ये paintings और ये discuss करेंगे तो हम नेट का यूज करेंगे, आपको इमेजेस शो करके फिर पढ़ाएं. ठीक है, सो इट विल बिकम मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू, राइट? हिस्ट्री सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा इजी, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है हिस्ट्री. अब अभी अभी कल की क्लास में बहुत लगेगी. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ये सब नोट कर ले. चलो, सो आपके मतलब
चैप्टर नंबर 5 तक कवर करना है ना, 1 to 5 का ही मतलब मेरे पास आया है। अच्छा अच्छा कौन से टॉपिक से स्टार्ट हुआ था मुझे ये बताओ, इसमें क्लास 6 से स्टार्ट होता, और यहाँ पे इस बुक में ठीक है, चलो ठीक है क्लास ओवर करते हैं ना।